दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने SBI ATM कार्ड के लिए ATM पिन बना सकते हो, जेनरेट कर सकते हो, जो कि 4 डिजिट का होता है। तो यहां पे 3 केसेस में आप अपना ATM पिन बनाते हो, जेनरेट करते हो। अगर आपने SBI के साथ एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवाया है तो बैंक अकाउंट ओपन करवाते ही 15 दिन के अंदर बाय पोस्ट आपके पास ATM कार्ड आता है, ATM कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी कह लो, और अब आप उसके लिए अपना ATM पिन जेनरेट करना चाहते हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप SBI के पुराने कस्टमर हो, आपके पास ऑलरेडी एक ATM कार्ड था जो कि अभी अब एक्सपायर कर चुका है, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और अब आपको SBI ने बाय पोस्ट नया ATM कार्ड भेजा है, आप उसके लिए ATM पिन जेनरेट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास जो ATM कार्ड है उसका आपने पहले भी ATM पिन बनाया था, जेनरेट किया था, लेकिन अब आप अपने 4 डिजिट ATM पिन को भूल चुके हो, डेबिट कार्ड के पिन को भूल चुके हो, अब उसके लिए आपको फिर से एक नया ATM पिन बनाना है। तो इन तीनों केस में आप ATM पिन जेनरेट कर सकते हो, प्रोसेस सेम होने वाला है। तो ATM पिन भी आप 2 तरीकों से जेनरेट कर सकते हो। पहला, आप ऑफलाइन ATM मशीन के पास जाके जेनरेट कर सकते हो, SBI के ATM मशीन के पास जाके जेनरेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है, अगर आपका SBI का इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करके ऑनलाइन ही घर से ही खुद से ATM पिन जेनरेट कर सकते हो, आपको ATM मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अभी मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताता हूँ ATM मशीन के पास जाकर के कैसे आप नए आए हुए ATM कार्ड के लिए ATM पिन जेनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, या फिर आपके पास ATM पिन पहले से ही जेनरेट किया हुआ था, आप ATM पिन भूल चुके हो, आप फिर से उसके लिए पिन जेनरेट करना चाहते हो, तो कैसे जेनरेट करना है, दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। तो सबसे पहले आप अपने ATM कार्ड के साथ अपने नियरेस्ट किसी SBI ATM के पास चले जाओगे, SBI के ही ATM मशीन के पास जाना है। तो अभी आप सबसे पहले पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में आपका ATM पिन बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप 1 टाइम ATM पिन जेनरेट करोगे जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, और जैसा कि इसका नाम है 1 टाइम ATM पिन, आप इसको केवल एक बार यूज कर पाओगे, और 1 टाइम ATM पिन को यूज करके ही आपको परमानेंट ATM पिन बनाना होता है। तो सबसे पहले आप ATM मशीन में अपना ATM कार्ड इंसर्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आया है कि आपको अपना ATM कार्ड रिमूव नहीं करना है मशीन से जब तक कि आपका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन ID सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक चूज कर लोगे जो कि लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा। उसके बाद यहाँ पे आपको वेट करना है, आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी लैंग्वेज में आप ATM मशीन को यूज करना चाहते हो, मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कहा जाता है प्लीज सेलेक्ट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा बैंकिंग के नीचे पिन जनरेशन, आपको इसे सेलेक्ट करना है। अभी आप 1 टाइम ATM पिन बनाओगे, ये आपका टेम्पररी पिन होगा जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। अभी यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, तो आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए कहीं पे लिखा हुआ, या फिर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल तेजी से फिल करना है, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर बड़ा होता है, आप स्लो स्लो फिल करोगे तब तक में आपका ट्रांजेक्शन इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि सेशन एक्सपायर हो जाएगा और ट्रांजेक्शन इनवैलिड का एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फास्ट फास्ट बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद प्रोग्रेसिव करेक्ट इस पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो कि 10 डिजिट का होता है। आपको +91 इंटर करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे और प्रोग्रेसिव करेक्ट इस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जा रहा है, आपको वेट करना है। इस तरीके से ATM मशीन से एक रिसिप्ट निकल के आएगा, इस रिसिप्ट को आप कलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन कम्प्लीट का मैसेज दिखाई देता है, और अब आप ट्रांजेक्शन प्रोसेस होने तक वेट करोगे, और यहाँ पे लिखा हुआ आता है प्लीज टेक योर कार्ड, तो आप अपना ATM कार्ड ATM मशीन से निकाल लोगे, डेबिट कार्ड को निकाल लेना है। अब जो दोस्तों ये रिसिप्ट निकल के आया है ATM मशीन से, इसमें लिखा हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि आपने ATM मशीन में भी इंटर किया है अभी, उस पे 1 टाइम ATM पिन भेजा गया है SMS में जो कि 24 घंटे तक वैलिड होता है। उस 1 टाइम ATM पिन को यूज करके आप अपना ATM पिन चेंज कर लो और एक परमानेंट ATM पिन बना लो। तो 1 टाइम ATM पिन SMS में आपको कुछ मिनटों में ही आ जाता है, तो आपके पास बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए पास में, ताकि आप उसमें SMS रिसीव करके हाथों हाथ ATM पिन चेंज कर लो SMS में आए हुए उस 1 टाइम ATM पिन को यूज करके। देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का SMS में मुझे ATM पिन मिल चुका है, 1 टाइम ATM पिन जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड है। और ये जो ATM पिन यहाँ पे SMS में आता है,
वो आपका वर्ड में लिखा हुआ होता है, जैसे कि ONE, TWO2, THREE इस टाइप का। जैसे ही आप वन टाइम एटीएम पिन रिसीव कर लेते हो, आप फिर से अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करोगे। इस बार आपको फिर से एप्लीकेशन आईडी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप डोमेस्टिक चूज कर लोगे, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई देता है आपको यहाँ पे वेट करना है, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जा रहा है। फिर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे जिसमें कि आप एटीएम मशीन को यूज करना चाहते हो, मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। उसके बाद इस बार यहाँ पे आपको बैंकिंग पे सेलेक्ट करना है, जो कि पिन जनरेशन के ऊपर दिखाई देता है लेफ्ट साइड में ही। यहाँ पे आपको राइट साइड में बॉटम में पिन चेंज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको 10 से 99 के बीच में कोई भी एक नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है, एग्जाम्पल के लिए 25, तो यहाँ पे 25 इंटर कर देता हूँ। नंबर इंटर करने के बाद यस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ मिलता है प्लीज इंटर करेंट पिन। तो जो भी वन टाइम एटीएम पिन आपके पास एसएमएस में रिसीव हुआ है 4 डिजिट का, वो आपका करंट पिन है, जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होगा। इसको आप केवल एक बार यूज कर सकते हो। तो यही पिन जो एसएमएस में रिसीव हुआ है यहाँ पे इंटर कर देना है। और जैसे ही आप वन टाइम एटीएम पिन इंटर करते हो, आपको यहाँ पे नया एटीएम पिन सेट करने के लिए मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी परमानेंट एटीएम पिन बनाना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, वो आप इंटर कर दोगे 4 डिजिट का, और दोबारा से वो सेम 4 डिजिट का एटीएम पिन री इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है, आपको वेट करना है, और आपका इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको लिखा हुआ मिलता है स्क्रीन पे प्लीज टेक योर कार्ड, आप अपना एटीएम कार्ड निकाल लोगे एटीएम मशीन से। बाकी अगर आप ऑनलाइन तरीका जानना चाहते हो इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके कैसे आप एटीएम कार्ड के लिए एटीएम पिन बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, तो इसके लिए आप इंड स्क्रीन पे दिखने वाला ये वीडियो चेकआउट करें।